गरीबों के लिए सरकार की ओर से अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन पीडीएस डीलर्स उन गरीबों के अनाज पर डाका डाल रहे हैं। बोकारो के भुस्की पंचायत के सैकड़ों राशन कार्ड धारक ने डीसी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इसकी शिकायत बीएसओ से की गई थी। बीएसओ ने इस संबंध में जांच कराया तो मामला सही पाया। इस पर डीएसओ ने कहा कि जांच के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर वे मुख्यालय आए और पीडीएस डीलर पर कार्रवाई की जाएगी। राशन का वितरण नहीं हुआ है, हम लोग का टोकन काटा, अब प्राप्त दिया टोकन, एफ के दिया, अब नहीं मांग रहे हैं तो बोलता है कि नहीं दे पाएंगे, आशा दे दो। मतलब नौ तोला का हम लोग का राशन है, बाकी 300 कार्ड बाकी। एक ही महीना में 3 बार चावल का एंट्री कर दिया, ठीक है, तो ऐसा ऐसा लाभुक है जो अंगूठा छाप है, ना पढ़ने जानता है ना लिखने जानता है, उसको क्या पता कि यहाँ क्या एंट्री किया है। जब इसका शिकायत हम लोग सीओ को किए हैं, एमओ साहब को किए हैं, खाद आपूर्ति विभाग जेडी को किए हैं, तो उन लोग बोला ठीक है, हम लोग गांव आके इस समस्या का निदान करते हैं। तो लोग आया, सही में इस चीज को सही पाया। उसके बाद उन लोग बोला कि एक आवेदन लिखिए, मुखिया के अध्यक्षता में वो लेटर बनाया गया, उसके बाद बोला कि आप इसमें साइन कीजिए, उसके बाद सारी जनता लोग साइन करेंगे, उसके बाद चावल। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।